आपसे चाहूंगा, समय आप लोगों का बहुत ले लिया हूं। जयशंकर जी, देश के हालात पे हम और सियासी हालात पे चर्चा कर रहे हैं, जरा आपकी टिप्पणी इस पे। नहीं, रोहन जी ने काफी कुछ कह दिया है, अब इसके आगे बहुत ज्यादा और ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जो आकलन है लोगों, देखिए नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, ये बात सच है। राजनीतिक विश्वसनीयता उनकी समाप्त हो गई है। एनडीए के साथ है, लेकिन एनडीए के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इंडिया के साथ थे, इंडिया से हट गए, अब इंडिया के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में बड़ी आबादी है जो अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है, वो है अत्यंत पिछड़ी जातियों का, जो जिसे ईबीसी कहते हैं। उसके लिए नीतीश कुमार ने काफी कुछ काम किया है। वहां पे नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कई बार वो उठपटांग बातें भी बोल जाते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि उनको कहा गया है कि बहुत ज्यादा सार्वजनिक मंचों पे जाने की जरूरत नहीं है। ये भी हो रहा है, उनके घर पे कोई मेडिकल टीम बैठ गई है, वो उनको देख रेख करती रहती है। ये सारी इस तरह की बातें भी आ रही है, लगातार आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा यह है कि कोई ऐसा उनके सामने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था ना, कि वो चंद्रमा भी चाहेंगे, सूरज भी चाहेंगे, बृहस्पति भी चाहेंगे, लेकिन बिहार नहीं छोड़ना चाहेंगे। बिहार हाथ में रहे, उसके आगे अगर कुछ मिल जाए तो उधर सोच सकते हैं। तो जब तक कुछ मिल ना जाए, तब तक वो हिलने डुलने वाले नहीं है, तब तक बिहार वो बचा करके रखने की कोशिश करेंगे। अब ये बड़ी बात है कि देखिए, सच बात है, धनंजय की बात से मैं सहमत हूं इस मामले में। इन लोग खारिज कर चुके थे, इंडिया अलायंस के लोग भी खारिज कर चुके थे, और एनडीए के लोग भी, मतलब बीजेपी के लोग भी कहते थे ये चुनाव आखिरी है, इसके बाद तो खत्म हो जाएगी, पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन जितनी सीटें बीजेपी को मिली उतनी उनको भी मिली। नीतीश कुमार को बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पर लड़ी थी, उसके बावजूद बराबरी पे आए। तो ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी के कारण मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार अकेले दम पर बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात भी तय है, उन्होंने करके देख भी लिया था। कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी कर देते हैं, कभी वो इंडिया मतलब आरजेडी के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो इनका पलड़ा भारी कर देते हैं, लेकिन अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि देखिए, झारखंड में उनके राजनीतिक प्रवेश से या चुनाव लड़ने से, अलग दल से चुनाव लड़ने से, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा। क्योंकि वहां जो ओबीसी का एक तो महत्व फैक्टर है, कुर्मी फैक्टर है, कुर्मी लोग पहले से भी सदान कुर्मी जो वहां के होते हैं वो लोग इनके साथ रहते हैं, और जो जेएमएम के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, वो कहीं इधर से उधर जाने वाले नहीं, उनका अपना एक कमिटमेंट है, वो साथ में रहते हैं। बाकी तो इनका अलग से कुछ है नहीं, सरजू राय के नाम पर थोड़ा बहुत थोड़ा इधर उधर करेंगे तो करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक तो एनडीए बिखरा हुआ दिखाई देगा, इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई देगा, और ये एनडीए बिखरा हुआ दिखाई देगा, इसकी चिंता है बीजेपी को। दूसरा यह है कि ये बात सही है, श्रवण जी सही कह रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार को, मोदी की सरकार को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन कमजोर दर कमजोर होती जाएगी ये सरकार, ये बात भी तय है। जिस ढंग से संसद में विपक्ष आक्रामक है, मजबूत है, चीजों को लेकर के सामने रख रहा है, और पीठासीन अधिकारी चाह करके भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद कठघरे में नजर आते हैं, तो इसको देखते हुए तो सरकार पे अटैक बढ़ेगा, आक्रमण बढ़ेगा। अब यह है कि जो सबसे गंभीर बात जो रविकांत ने कही थी, और मैं उस पर चर्चा करना चाहता था, मैं भूल गया था, उसकी याद श्रवण जी ने भी दिलाई जी, वो है चुनाव आयोग का मामला। जो अतिरिक्त मत जो थे, जो पहले उन्होंने बताया था कितना पोल हुआ था, बाद में कितने करोड़ मतदाता ज्यादा दिखाए गए, और उससे अभी श्रवण जी बता रहे थे कि 79 सीटों का फर्क पड़ा है, इसको विपक्ष को इशू बनाना चाहिए, संसद में भी, न्यायपालिका में भी, और सड़क पर भी चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से अभियान विपक्ष को शुरू कर देना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के, उसकी पक्षधरता को लेकर के, जिस तरह से वो
पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता रहा है लगातार। एक तो जो व्यवस्था कर दी है लोगों ने उसके मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में विपक्ष को न्यायपालिका को बाहर करके, तो वो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो उसके बाद तो जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा या चुनाव आयुक्तों की टीम आएगी, जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ दल के लिए पक्षपात करेगी ही करेगी। तो इसको इशू बना करके, और ये जो अतिरिक्त मतों वाला मामला है, अगर उस आपके पास है इसके प्रमाण है, पुष्ट प्रमाण है, तो उसको लेकर के आपको इशू बनाना चाहिए संसद सड़क और न्यायपालिका में भी, मेरा ये मानना बिल्कुल, है। बिल्कुल। दूसरा यह है कि ममता के बारे में अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी उन लोगों में से हैं जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बंटाधार के बहुत बड़े कारण है। उनका अपने क्षेत्र में अपने इलाके में एक अच्छा काम रहा है और वो अपने काम के बल पे जीत जाते थे, इस बार उसमें भी हार गए वो। और लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ ना कुछ उनको बोलना ही रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनका एक पैर कांग्रेस में है, दूसरा पैर बीजेपी के ड्योढ़ी की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप ममता को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने देख लिया, उनकी सीट भी चली गई, हार गए वो। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा यह है कि जैसे अभी रोहन जी गिना रहे थे विदेश यात्राओं का, तो भाई मोदी जी पहले पिछले कई महीनों से विदेश नहीं गए थे। उनका जितना कोटा था बचा हुआ, उसको जल्दी से जल्दी वो पूरा कर लेना चाहते हैं कि भाई इतने महीने हम कहीं गए ही नहीं, यही रह गए चुनाव के चक्कर में, इधर उधर कभी रामलला की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो अब वो पूरा करना चाहते हैं। अब उसका क्या असर पड़ता है क्या नहीं असर पड़ता है, उनको इसकी चिंता नहीं है। बाइडन क्या सोचते हैं या ट्रंप क्या सोचेंगे या रूस क्या सोचेगा, यूक्रेन क्या कहता है, इनको इस बात की परवाह नहीं है। जो भी भुगतना होगा इस देश को भुगतना होगा, और वो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा ना श्रवण जी ने कि भाई वो चिंता मुक्त प्राणी है, आराम से उनको अपना काम मिलना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, इंजॉय कर रहे हैं वो। अब वो बाकी राहुल गांधी पर है, विपक्ष पर है, इंडिया अलायंस पर है जी, देखें अपना काम करें। या भाजपा में अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, या नितिन गडकरी जी हैं, ये लोग अपना करें। लेकिन एक बात बहुत सही है, जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं चार विधानसभाओं के, उन विधानसभाओं के नतीजे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आरएसएस का दबाव और बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी की सरकार को किसी तरह का सीधा खतरा है। जी राजेंद्र जी, जी बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अमलेंदु जी, और साथ में और दो साथी जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी और अतुल सिन्हा जी, आप सबका